ये देखिए दोस्तों, पनीर की सब्जी लग रही है ना बिल्कुल ढाबा या होटल स्टाइल। हम इसे घर के मसालों से इंस्टेंट बना के तैयार करेंगे और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। पनीर की सब्जी बनाने के लिए हम लेंगे पनीर। यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और 2 बारीक कटा हुआ प्याज लेंगे। बारीक कटा हुआ या कसा हुआ 1 टमाटर लेंगे। पनीर को सूखे मसालों से मैरिनेट कर लेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। 1/4 चम्मच या उससे भी कम नमक डालेंगे। 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। पनीर को मसालों से मैरिनेट करने से पनीर में अच्छा सा फ्लेवर आता है और कलर भी आता है। और अब हाथ से मसालों को पनीर में अच्छे से मिला लेंगे। मिलाकर 1 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। और अब एक फ्राई पैन लेंगे, हाई फ्लेम पे गरम होने देंगे। फ्राई पैन गरम हो गया है, हम इसमें 2 चम्मच बटर डालेंगे। बटर को हिलाते हुए पैन पे इस तरह फैला लेंगे और बटर को भी गरम होने देंगे। ये देखिए बटर मेल्ट हो गया है। इस टाइम पे हम इसमें मैरिनेट किया हुआ पनीर डालेंगे। पनीर को चलाते हुए बटर में लाइट ब्राउन होने तक सेलो फ्राई कर लेंगे। इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, इससे मसाले हमारे जलेंगे नहीं। इसी तरह पनीर को पलटते हुए सेलो फ्राई करेंगे। ये देखिए पनीर हमारा सेलो फ्राई हो गया है, इसमें एक बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। और हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। पनीर की सब्जी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को हाई फ्लेम पे गरम होने देंगे। ये देखिए कढ़ाई गरम हो गया है, इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो घी या बटर भी डाल सकते हैं। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे तेल में साबुत मसाले डालेंगे, 1 चम्मच जीरा, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 1 छोटा फूल चकरी, 2 से 3 टुकड़े जावित्री के, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग और 1 तेज पत्ता तोड़कर डालेंगे और 1 सूखी मिर्च तोड़कर डालेंगे। और अब सभी मसाले को मिला लेंगे। बारीक कटा हुआ 2 प्याज डालेंगे। प्याज डाल के गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे प्याज को चलाते हुए लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए प्याज को भूनते हुए 1 मिनट हो गए हैं और प्याज में लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालकर 1 से 2 मिनट के लिए चलाते हुए प्याज के साथ भून लेंगे। और अब प्याज में घिसा हुआ या कसा हुआ 1 टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी चलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए टमाटर पानी छोड़ दिया है। इस टाइम पे हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। फ्लेवर के लिए 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच देगी मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो तीखा के लिए लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब सभी मसालों को मीडियम फ्लेम पे मिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे या पका लेंगे। ये देखिए मसालों को भूनते हुए 2 मिनट हो गया है, मसालों से तेल निकलना भी स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब है कि मसाले हमारे अच्छी तरह भुन गए हैं। इस टाइम पे इसे चलाते हुए 1 मिनट के लिए और पका लेंगे, जिससे ग्रेवी अच्छे से हमारा भुन जाए। और अब ग्रेवी में 4 चम्मच दही डालेंगे। ये घर का जमाया क्रीमी दही है।
दही डाल के गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे दही डाल के ग्रेवी को अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। हाई फ्लेम पे दही को भूनने से दही फटेगी नहीं और हमारा ग्रेवी बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। आप चाहे तो ग्रेवी में दही के जगह पानी भी ऐड कर सकते हैं और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे, जिससे ग्रेवी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और ग्रेवी को मिलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए ग्रेवी हमारा पानी छोड़ दिया है। इस टाइम पे हम इसे ढककर 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे, जिससे ग्रेवी अच्छे से सूख जाए। और अब हम इसे मिला लेंगे। ये देखिए ग्रेवी हमारा सूख गया है और अच्छे से भून गया है या पक गया है। इस टाइम पे हम इसमें सेलो फ्राई किए हुए पनीर डालेंगे। पनीर डालकर पनीर को ग्रेवी के साथ मिलाते हुए 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे, जिससे ग्रेवी का फ्लेवर पनीर में अच्छी तरह से मिल जाएगा। ये देखिए मसालों के साथ पनीर हमारा अच्छे से मिल गया है। इस टाइम पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पनीर में 1 कप पानी डालेंगे, ये नॉर्मल पानी है। यहाँ मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहे तो गर्म पानी भी डाल सकते हैं। पानी डालकर ग्रेवी को अच्छी तरह मिला लेंगे और इस टाइम पे गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों ग्रेवी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पे हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई को ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे पनीर में बहुत ही अच्छा ग्रेवी का फ्लेवर आ जाए। पनीर को पकते हुए 5 मिनट हो गया है, हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए पनीर हमारा अच्छी तरह बन के तैयार हो गया है, ग्रेवी भी थिक हो गया है। इस टाइम पे हम इसे मिला लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे या डालेंगे। ये लीजिए पनीर की सब्जी हमारी बनके तैयार है। आप इसे तंदूरी रोटी, नान, पूरी, पराठा या राइस किसी के भी साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट बन के तैयार हो जाती है। आपको वीडियो मेरी अच्छी और हेल्पफुल लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें।